वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। ये आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कैरेट, जो मैंने काट के छोटा छोटा कट के रखा है, ऑनियन स्लाइस करके रखा है, चिलीज को मैंने काट के रखा है, इसके लिए मैंने टमाटर लिया है चॉप करके रखा है, और आलू। आप सोच रहे होंगे कि आलू क्यों, मैगी में कोई आलू देता है? मगर आलू देख के देखिएगा, अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत बढ़ा देता है। और मैंने यहाँ पे मैगी लिया है, ऑयल, नमक और पानी। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी बनाना। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब उसमें मैं 2 चम्मच ऑयल दे दूंगी। उसके बाद इसमें मैं ऑनियन, आलू को मैंने कुछ देर के लिए फ्राई कर लिया है, और इसमें मैं दे दूंगी बादल। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं चाहिए, 4 अनुसार। और इसमें आप टमाटर ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे छोटा साइज का 2 टमाटर लिया है। बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैगी मसाला को मैंने काट के रखा था, अब इसमें मैगी मसाला मैं ऐड कर दूँगी। जब मैं पानी को गर्म कर लूँ, गर्म करने से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा मैगी बनानी। इसको मिक्स कर लीजिए मसालों को। आप एक बार ये रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। पानी गर्म हो गया है, उसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। लगभग 3 ग्लास पानी मैं ऐड करूंगी इसमें। अब मैं इसको ढक के रखूंगी। पानी उबालने के बाद इसमें मैं मैगी ऐड करूंगी। पानी उबल गया है, अब इसमें मैं मैगी ऐड कर दूंगी। मैगी को मैंने तोड़ कर रखा है, मैगी को ऐड कर दूंगी।
हो गया मैगी रेडी। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। रेडी हो गया इंस्टेंट मैगी रेसिपी। अब आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे व्यूअर्स, बाय बाय।